हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रिवर। तो आज की रेमेडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि हमेशा हम परेशान होते हैं कि हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो, एक नेचुरल चमक क्यों नहीं है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जरूरी है कि आप अपने स्किन की जो जड़ की समस्या, जहां से समस्याएं शुरू होती है, उस पर वर्क करें। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे स्किन के ओपन पोर्स की, हमारे स्किन पे हो रहे वाइट हेड्स की, ब्लैक हेड्स की, जो आगे चलकर जो है आपके चेहरे पे पिट्स, गड्ढे बनाते हैं एक्ने स्कार्स के रूप में। इसमें आपको एक्ने का फॉर्मेशन होता है, पर्स एक्ने का फॉर्मेशन होता है, और कई बार तो एक्ने जो है वो ब्रोनो का रूप ले लेते हैं, मतलब कि उसका कोई भी माउथ नहीं होता और बहुत बड़े होते हैं, सिस्ट फॉर्म भी दिखने लग जाते हैं स्किन पर और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने जड़ जो है, स्किन की जड़ की जो समस्या है, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, उसकी उसका ध्यान रखें। तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन जो है वो क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। अगर क्लियर और क्लीन रहा, कोई भी इस तरह की इन्फेक्शन या आपके चेहरे पर नहीं है, किसी भी तरह का आपके चेहरे पर जो है फॉर्मेशंस नहीं दिख रहे, तो आपको मिलेगा इस तरह का ग्लो इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट। और मैं बता दूं, मैंने काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया है, पर मेरे स्किन पर कोई मेकअप नहीं है, मेरे स्किन पर कोई मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं, वरना अभी तक आपको दिख गया होता। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि नेचुरली अगर घर पे आपको स्मूद एंड सॉफ्ट और क्लीन एंड क्लियर स्किन चाहिए, तो आपको आज की रेमेडी जरूर ट्राई करनी है, जिससे आपके ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स और व्हाइट हेड्स को जो है हम लोग कंप्लीटली आउट कर देंगे आपके स्किन से, और मिल जाएगा आपको इस तरह का ग्लोइंग स्किन। तो फ्रेंड्स, आज का जो रेमेडी है वो वन डे चैलेंज है, मतलब जिस भी दिन आप पूरे दिन के लिए घर पे हो, इस रेमेडी को आप दिन में 3 बार करके देखोगे और पहले ही बार से आपको वंडरफुल रिजल्ट दिखेगा, और बिना किसी बहुत ज्यादा तामझाम के आपके स्किन से जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स सब कंप्लीटली आउट हो जाएंगे, आपके पोर्स क्लियर एंड क्लियर होंगे। दैट मीन्स आपके स्किन में आ जाएगी एक बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल सी नेचुरल चमक, मतलब कि आपका स्किन चमकदार हो जाएगा बिल्कुल शीशे की तरह, जैसा मेरा दिख रहा है अभी विदाउट एनी मेकअप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए इस तरह का स्किन, तो चलिए फटाफट वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आज की रेमेडी में कैसे प्रिपेयर करनी है। जी हाँ, ये रेमेडी आपके घर से किचन से आ रही है, तो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल में फर्स्ट टाइम है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई रियली नीड योर सपोर्ट, और बेल बटन दबाइए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चैनल कैसे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज की रेमेडी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी का जो पहला स्टेप है, उसमें हम अपने स्किन की करेंगे क्लींजिंग, वो भी नेचुरली, कोई भी आप जो है केमिकल क्लींजर नहीं यूज कर रहे, नेचुरल क्लींजर यूज करेंगे। तो नेचुरल क्लींजर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ घर की जमी 1 चम्मच जो है खट्टी दही। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1 चम्मच खट्टी दही ली है, और उसमें मैं डाल रही हूँ अपने घर की बनी डी वाई फेशियल जो क्लेंजर पाउडर है वो। अभी देखिए इस क्लेंजर में ना मैंने यूज किया, ये पूरा भर के डिब्बा ने बनाया था, ये फिनिश हो रहा है। इसमें मैंने यूज किया था ग्रीन मूंग दाल, जो छिलके वाली आती है वो, और जो लाल वाली मसूर दाल आती है वो, हमारा ऑरेंज पेल पाउडर, और जो नारियल होता है मतलब कि ड्राई कोकोनट पाउडर। और ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट भी करेगा, आपके ऑयल को भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट सफल बनाएगा, आपके स्किन से सारे गंद और मैल को निकाल देता है ये क्लेंजर। तो अगर नहीं बनाया तो फटाफट घर में बना के रख ले। तो ये जो दही हमने लिया था, इस दही में हम ऐड कर रहे हैं हमारा ये क्लेंजर। अब इसे देंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से ये पूरे चेहरे पे लगा लेना है। अब मॉनसून चल रहा है फ्रेंड्स, आपको डबल क्लेंजिंग करनी है होती है, पर मैं ना ये मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो मैंने अपने चेहरे को काफी अच्छे से साफ करके जो है मैं सोई थी, और मैंने सीरम नहीं लगाया था जो मैंने राइट में प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सीरम सिर्फ जो है 3 बार लगाती हूँ वीक में। तो ये देखिए इस तरह से आपको फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आप अप्लाई कर लें क्लेंजर को अपने पूरे फेस पे, और ड्राई कोकोनट यूज किया है, तो कोकोनट ऑयल भी जो है इसमें हमको हमें मिल रहा है, मतलब कोकोनट की खूबियां, जो स्किन वाइटनिंग खूबियां होती है वो भी मिल जाएगी, और आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है ना वो सॉफ्टन अप भी हो जाएंगे इसकी एप्लीकेशन से। तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है,
और बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। बस आपको ये प्रॉमिस करना है कि जिस भी दिन आप ये कर रहे हैं ना, तो ये रेमेडी आप जो है 2 बार एटलीस्ट करेंगे, तो आपको इन तुरंत रिजल्ट देखने मिलेगा। आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बिल्कुल कंप्लीटली आउट हो जाएंगे इसको करने के बाद। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ अपने फेस पे, और जहां भी आपको लगता है थोड़ा ज्यादा होते हैं, लाइक मेरा टी जोन एरिया ऑयली है तो वहां होता है। कई बार मेरे जॉ लाइन पे भी मुझे जो है फील होता है, ठीक से ही फील होता है। अगर आपको फोर हेड्स वगैरह पे भी फील होते हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह, वहां लगाकर, और अब इसे देनी है एक अच्छी सी, तो अब देंगे इसे अच्छे से मसाज। सारा जो गंद है ना आपके स्किन का, वो भी निकलेगा। सिर्फ ऑयल जो है वो कंट्रोल होगा, स्किन का पीएच बैलेंस बनाए रखेगा ये। और ये भी गया भाई ना, ये खुद में ही एक रेमेडी है फ्रेंड्स। तो सिर्फ ये भी अगर आप फॉलो करते हैं ना 7 डेज के लिए, तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलता है, और लाजमी आपको ये करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है आपको दिखाने के लिए, पर मैंने पूरे 10 मिनट्स जो है अच्छे से मसाज की थी, जो भी पॉइंट्स मेरे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना चेहरा अच्छे से वाइप आउट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं आपके सामने वाइप कर रही हूँ। तो बहुत ही ना नेचुरल सा ग्लो आ जाता है इसको लगाने के बाद। आप देख रहे हो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ, सफल हो जाती है, और बहुत ही अच्छा फील होता है आपको। ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट है स्किन में जो है, ऑयल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। स्किन जो ड्राई हो जाती है ना, आपकी खींची खींची से महसूस होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है इस क्लेंजर से। चलिए प्रिपेयर करते हैं हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हम अपने व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को करेंगे हमारे स्किन से कंप्लीटली आउट, मतलब कि एक्सफोलिएट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा अगर हिसाब से लगाया जाए तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। और रोज वाटर यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और आपको इसे एक मतलब कि थिक पेस्ट काइंड ऑफ में रेडी करना है, अच्छे से मिक्स करना है आपको जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब आपको इसको पूरे फेस पे लगाना है। एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको इरिटेशन नहीं हो रही हो तो कोई इश्यू नहीं है इसे करने में। तो इसे आपको अच्छे से लगाकर अपने स्किन पर छोड़ना है। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करके आपके डेड सेल्स को रिमूव करेगा, आपके पोर्स को की गंदगी को हटाएगा, अनक्लॉग करेगा, जिससे आप जैसे ही इसे वाइप ऑफ करोगे ना, वैसे ही आपके स्किन से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए है ना, पूरा बाउल यूज कर लिया है। स्पेशली फोकस करें उस एरिया पर जहां आपको ज्यादा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का फॉर्मेशन पता लगता है, वहां पर जरूर दें। तो थोड़ा सा मसाज करेंगे हम अभी हल्के हाथों से, फिंगर टिप्स को ऐसे रब कर रही हूँ। ये देखिए थोड़े से वॉर्म हो जाएंगे ये, और ये फिंगर टिप्स की मदद से ही आपको मसाज करना है, और बहुत प्रेशर नहीं करना है, माइल्ड प्रेशर देते हुए। ये आपको लग रहा है पर बहुत ही मैं माइल्ड प्रेशर दे रही हूँ। और 3 से 4 मिनट का मसाज है, आप इसे दे सकते हैं अपने स्किन पर, और जब आप इसे वाइप करेंगे ना, आपको वंडरफुल रिजल्ट देखने मिलेगा। ये देख रहे हैं, चलिए इसे वाइप कर लेते हैं। इसे वाइप करने के लिए मैं इस तरह का टिश्यू यूज कर रही हूँ, और आप देखना रिजल्ट। ये देख रहे हैं स्किन में जो ग्लो है, जो चमक है, ये आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग लगेगा। और आप जैसे इसको रफ करते चलोगे ना, आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो है वो निकलते जाएंगे बिल्कुल। कहीं कहीं आपको फील भी होगा कि वो जो है आपके स्किन पर है, ये आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पर ये मुझे फील हो रहा है। तो कंप्लीटली आउट, दैट मीन्स कंप्लीटली आउट आपके स्किन से। और 3 से 4 मिनट आपको मसाज करके इसको वाइप आउट कर देना है, और स्किन का ग्लो देखिए, स्किन में क्या वंडरफुल ग्लो आया है। आप देख सकते हैं स्किन में क्या वंडरफुल सा ग्लो आया है। स्किन पे बिल्कुल मेकअप नहीं, आप देख सकते हो, नॉट इवन काजल।
कुछ भी नहीं मैंने लगाया, क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब मैं ये रेमेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये रेमेडी 3 बार एटलीस्ट करनी है। पर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 बार जरूर करें, लेकिन 3 बार अगर कर लेंगे ना एक दिन में, तो आपको तुरंत रिजल्ट समझ में आने लगेगा। और ये देखिए कितना ही वंडरफुल इफेक्ट आया है इसका। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं, फिर प्रिपेयर करेंगे हमारा ब्यूटिफुल व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड रिमूवल फेस मास्क। नेक्स्ट स्टेप में जो हम अपना ब्यूटीफुल सा मास्क रेडी कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है हनी। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून हनी ले रही हूँ। अब हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, मतलब कि अगर आपके स्किन पे किसी भी तरह का ड्राइनेस आया होगा तो ये बिल्कुल ही इसे खत्म कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा, हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को, और आपके स्किन में लाएगा एक इंस्टेंट ग्लो। और आपके स्किन की जो सफाई हुई है ना, उसके ऊपर एक कोटिंग लगाएगा, जिससे कि दोबारा आपके स्किन के पोर्स के अंदर गंध ना जा सके। और साथ में मैंने यूज किया है हाफ लेमन। तो फ्रेंड्स, लेमन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है क्योंकि हर किसी को नहीं सूट करता। हमें यहाँ विटामिन सी का सोर्स चाहिए। अगर आप लेमन नहीं ले सकते तो आप हाफ टमाटो जूस लेंगे, अगर हाफ टमाटो जूस नहीं ले सकते तो ऑरेंज पिल पाउडर ले। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको लेनी है और इसे देना है एक बहुत अच्छा सा मिक्स मिक्स मिक्स। और यहाँ रेडी हो गया हमारा लेमन हनी मास्क, जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स के लिए। और विटामिन सी है इसमें, तो आपके स्किन के ग्लो को मेंटेन करेगा, आपके स्किन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो आप किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आपके स्किन पे नहीं होंगे, और आपके स्किन में जो है वो ब्यूटीफुल सा ग्लो बना रहेगा। तो मैं इस फेशियल ब्रश के मदद से अपना जो पैक है वो अप्लाई कर ले रही हूँ पूरे फेस पे। इस पैक को आपको 15 मिनट्स अपने चेहरे पे रखना है, पूरा ड्राई नहीं करना याद रखना, क्योंकि पूरा ड्राई करने से ये हानि है, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। आपके स्किन की कम्प्लीटली सफाई हो रही है, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव हो रहे हैं, पोर्स अनक्लॉग हो रहे हैं। तो पोर्स को अब हम जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा पोर्स जो है वापस से किसी भी तरह के गंध के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है फ्रेंड, ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना है। हाँ, तो बस ये एक चैलेंज है, ये 1 डे चैलेंज है। अगर आप इसे दिन में ना 3 बार कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिले। और मुझे लेमन सूट करता है इसलिए मैं लेमन यूज कर रही हूँ। आपको जो ऑप्शंस दिए हैं आप उसके लिए जा सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक चीज यूज करना है आप। पर हम इसे 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ें। ये जो पैक है वो ड्राई होने आया है, तो अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए मैंने इस तरह से हैंकी ली है और इसे वार्म वाटर में डीप कर लिया। इतना वार्म होना चाहिए आप इसे अपने फेस, तो इस तरह से आपको इसे अपने पूरे फेस पर जो है रख लेना है। और इसे इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है रिपीट। वार्मनेस फील होनी चाहिए आपके स्किन पर, राइट? वॉर्म्थ अगर फील हो रहा है तो आपको बार बार हैंकी डीप करने की जरूरत नहीं है। और अब इसी हैंकी से हम अपने स्किन को करेंगे साफ, जैसा कि मैं कर रही हूं, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मेरे स्किन पर, ग्लो है मेरे स्किन पर, स्मूदन अप हो गया मेरा स्किन, टाइटन लग रहा है, और सेटिस्फाइंगली जो है ना साफ स्किन, बिना व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के। तो और क्या चाहिए, आप देख रहे हो? तो इस तरह का स्मूदन स्किन चाहिए, ओपन पोर्स से छुटकारा चाहिए आपको, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड रिमूव करने हैं। तो इस रेमेडी को फ्रेंड्स, में 1 डे चैलेंज है, मतलब 1 डे, फर्स्ट डे में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और एक दिन में इस रेमेडी को 3 बार कर लेना है। तो माइंड मेक श्योर कि आप जिस दिन पूरे दिन के लिए घर पे हैं, फ्री हैं, उस दिन आप ये रेमेडी करेंगे, और करने के बाद रिजल्ट शेयर करेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट। और ये रियल लाइव रिजल्ट है आपके सामने बिना किसी मेकअप के। मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपने मेरा चेहरा देखा, और अब मेरा चेहरा देख सकते हो, तो कितना ही डिफरेंट है इसको। इसके बाद हम जो है करेंगे टोनिंग। तो टोनिंग के लिए अभी आजकल गर्मी से बरसात तक में ना मैं यही यूज करूंगी। तो मैंने जो है ये एलो कुकुम्बर टोनर बना रखा है, इसको मैं इस तरह से अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि कोई केमिकल टोनर ना यूज करें, आप नेचुरली कुछ यूज करें। अगर नहीं बना हुआ है तो आप चुपचाप से जो है रोज वाटर यूज कर सकते हैं, और मैं इसे एम्पल अमाउंट में यूज करती हूँ बिना कंजूसी किए। पूरे फेस को बिल्कुल जल डीप कर दिया है मैंने इसे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए
इतना ब्यूटीफुल सा ग्लो है मोर फ्रेंड्स, नेचुरली ये सारी चीजें करने मिल रही है। मतलब इस सीजन हम जो है मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, सीरम नहीं लगा रहे, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, और हम अगर नेचुरली ये सारी चीजें कर रहे हैं पर सनस्क्रीन आप बाहर जा रहे हो तो नेसेसरी है। बट कई बार लोगों को जो है घर पे लगाने पे भी मजबूर हो जाते हैं, वो उनकी स्किन इतनी खराब हो जाती है। तो पर अगर आप अपने डीआईवाई से ना स्किन का ध्यान रखोगे तो इस तरह का स्किन मिलेगा, जिसका मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा ताम झाम बाहर में ज्यादा खर्च करना या पार्लर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसे नेचुरली ड्राई होने देना है। तो फ्रेंड्स, मुझे नीड नहीं है कि मैं इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाऊं जबकि मेरा ऑयली टू कॉम्बाइंड स्किन है। पर अगर आपको नीड है, अगर आपका ड्राई स्किन है, बेकिंग सोडा के एप्लीकेशन के बाद, हनी एप्लीकेशन के, हनी मार्क्स लेमन मार्क्स के एप्लीकेशन के बाद भी आपका स्किन सेमी ड्राई लग रहा है, हल्का खिंचाव लग रहा है, तो आप एक नॉन कॉमेडोजेनिक जो है मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जिसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर से मॉइस्चराइजर तुरंत लगा लेते हैं तो पोर्स आपके जो अभी जस्ट साफ आपने किए हैं वो फिर से मॉइस्चर आप उसमें चला जाएगा, अगेन ऑयल का ही अमाउंट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा और फिर उसमें ब्लैकहेड वाइट्स जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसे नेचुरली ड्राई करेंगे और उसके बाद जो है जिनको मॉइस्चराइजर चाहिए वो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना वंडरफुल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये था मेरा आज का सुपर वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी, जिससे आपके स्किन की जो मुख्य समस्याएं हैं उस पे आप काबू पा सकते हैं, मतलब कि उसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। और आप जब समस्याएं ही नहीं होंगी जिनके वजह से स्किन और ख़राब हो रहा है, तो कोई दूसरी एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा होती है। तो अगर आपके स्किन पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मतलब ओपन पोर्स नहीं होंगे, तो उसमें धूल दर्ट गंद मैल नहीं जाएगा, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन भी कमेगा आपका, और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स से फॉर्मेशन भी नहीं होंगे, और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स से फॉर्मेशन नहीं होंगे दैट मीन्स ब्रोनो हो रहे हैं, ना सिस्ट पिंपल हो रहे हैं, ना एक्ने हो रहे हैं, और ना एक्ने मार्क्स हो रहे हैं, ना एक्ने स्कार्स होंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का रेमेडी अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा आज का रेमेडी अच्छा लगा तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, फ्रेंड्स फैमिली संग कर दे, मेरे वीडियो को शेयर लाइक करें, कमेंट करें, एंड आई ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विद मी। बस ये याद रखना है कि आज की जो रेमेडी मैंने आपके संग शेयर की, ये वन डे चैलेंज है और आपको ये एक दिन में 3 बार कर लेनी है और मिलेगा आपको बहुत ही वंडरफुल सा रिजल्ट। आके कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा और कैसे रहे रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।